शर्मा तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ पिताजी। शायद आपको पता नहीं कि पेरेड रिव्यू वीडियो ने कितनी कन्याओं का बलिदान कर दिया, कितने का घर तबाह कर दिया, जो बर्बाद हो गए। लेकिन पिताजी, आज के जिंदा शैतानों को यह देखकर उनकी आंखें खुल जाएंगी। मजबूरों को दहेज प्रथा को बंद करना पड़ा, इसके बाद भी आप नहीं सुधरे पिताजी। इसे मैं बड़ा कोई अपराध नहीं मानता, फिर भी इतनी बड़ा सजा क्यों? इसलिए कि आप जैसे लोगों की आंखें खुल जाए और दहेज को लेना बंद कर दे, आपके जैसे राक्षसों का नाम लेना छोड़ दे। क्या हम दोनों की सजा से ही दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी? अवश्य समाप्त हो जाएगी पिताजी। हम लोगों की हालत देखकर इन लोगों की आंखें खुल जाएगी। दहेज लेते पकड़े जाने पर सरकार इन्हें सजा सुनाएगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैंने जो पाप किया है उसका तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अब अपने व्यापार को बचाने के लिए कोशिश करो बेटा। कल अपना मैनेजर तुमसे मिलने आएगा तो उसे ठीक से समझा देना बेटा। मुझे उस पर विश्वास नहीं है पिताजी, काहे कि वो लालची है, घुसखोरी है, घूस लेकर शांत रह जाएगा। खैर, अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा बेटा। रे तो ये काली बात ये मत कर बस, और काली से बोल लो खुले वाली, जल्दी जल्दी किस पास की। सिपाही जी, यहाँ तो देखने वाला कोई नहीं है, चाय पानी का खर्चा लेकर दूसरे कैदियों से पिसवा लिया करे। क्या कीजिए हुजूर, बेटी वाला पे कैले रहिए, हम तो बताया करी साले 5 साल जेल में रखा आटा पिसवा भेज दे, पूरा पैसा के नशा तहान उतार दो। थोड़ी भी दया कीजिए हुजूर, बात तो टट टट के पर सब नशा उतार दे। कुछ भी तो रहम कीजिए सिपाही जी। साले दोनी के मनवा पर गई बात मच मनी चला सकिया तो कैसे